आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नोबल नेचर का पोएम क्लास 12 पोएट्री सेक्शन से सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम में हमने पढ़ा था कि कवि बेन जॉनसन एक ओक ट्री होता है, उसका लाइफ स्पान 300 ईयर का होता है। इसके लिए उसे वो लंबे जीवन काल के लिए कंपेयर करता है और वो ये बताता है कि ओक ट्री अपने जीवन काल में न तो जीवन काल में ही किसी के काम आया था और न ही उसके मुरझा के गिरने के बाद 300 साल बाद भी उसकी लकड़ी भी किसी काम नहीं आई थी। हम सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम में अब लिली फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक छोटा लाइफ स्पान होता है जिसका एक दिन का जिसका जीवन काल होता है। लिली ऑफ अ डे, लिली मीन्स लिली फूल, डे यानी एक दिन का फूल होता है। इट फेयर फार इन मे, ये मई के महीने में खिलता है। फेयर यानी अधिक सुंदर होता है, बहुत, जो कि एक दिन का फ्लावर होता है लेकिन बहुत सुंदर होता है, सबसे सुंदर होता है, और ये मई के महीने में समर सीजन में खिलता है। ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह फॉल यानी मुरझा जाता है, मर जाता है, पेरिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उसी रात को जिस रात को वो, जिस दिन को वो खिला था। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये फ्लावर है लाइट का, प्रकाश का। जैसे कि सनराइज होता है तो सनराइज के साथ ये खिलता है, और जैसे ही सनसेट्स होता है तो उसके साथ ये फूल मुरझा जाता है। इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सीज, हम इसके छोटा सा प्रपोर्शन जो जीवन काल का है उसमें हम सिर्फ ब्यूटीज सुंदरता ही देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, मेजर्स यानी नापना तोलना, लाइफ इसकी जो छोटा सा लाइफ है एक दिन की, मैं परफेक्ट भी, ये अपने आप में बहुत सुंदर इस एक दिन को बना देता है जिससे कि ये लोगों की स्मृति में हमेशा जीवित रहता है। लाइक लिली इज, लिली फ्लावर ब्लूम्स विथ सनराइज एंड पेरिशेस एज सनसेट्स, जैसे सूर्य उदय होता है तो ये खिलता है और सूर्यास्त के साथ ही ये मुरझा जाता है उसी दिन। सो इट इज़ कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट, इसलिए इसे प्रकाश लाइट का फ्लावर का बोला है। लाइट यहाँ पे रेफर्स वेरी डीप मीनिंग हैप्पीनेस, लाइट नॉट ओनली फॉर प्रकाश, इट इज़ फॉर हैप्पीनेस, डिलाइट एंड एन्जॉयमेंट। हूवर लुक्स एट लिली फ्लावर ही फील्स हैप्पी, ही फील्स डिलाइटेड, ही एन्जॉयज ब्यूटी ऑफ लिली फ्लावर। फ्लावर, लिली फ्लावर लिव्स फॉर एवर इन द मेमोरी, वो देखने वालों की मेमोरी में, विजन में, एंड हार्ट ऑफ हूएवर सीज इट वन टाइम, जो इसे एक बार देखता है उसके विजन में हमेशा के लिए अपनी स्मृति बनाए छोड़ जाता है। लाइफ ऑफ लिली इज वन डे, लिली का लाइफ एक दिन का है, बट इट्स ब्यूटी मेक इट इटर्नल, लेकिन इसकी सुंदरता है वो कभी खत्म ना होने वाली है। हैंस लिलीज लाइफ इज परफेक्ट देन ओक ट्री, इस तरह से एक दिन की लाइफ लिली की ओक ट्री से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, जो कि 300 ईयर जीता है, बट नोबडी केयर फॉर इट, लेकिन ओक ट्री के लिए कोई केयर नहीं करता है, वेदर इट वाज और नॉट। जब ये पेड़ था 300 साल तक था तब भी ये किसी के काम का नहीं था, एंड जब ये ख़त्म हो गया तब भी ये किसी के काम नहीं आया। मैन ऑल्सो शुड लिव लाइक लिली, इसलिए आदमी को भी, मनुष्य को भी एक लिली फ्लावर की तरह जीवन जीना चाहिए, टू रिमेन अलाइव इवन आफ्टर डेथ, ताकि वो लोगों के जीवन में, स्मृति में, के रूप में जिंदा रहे अपनी मृत्यु के बाद भी। इसलिए हमारे कर्म भी ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम लोगों की स्मृति में और अपनी इस दुनिया में अमिट छाप छोड़ जाएं।